तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो पासपोर्ट है, ये ECR पासपोर्ट है जो मेरे फ्रेंड का है और ये ECNR पासपोर्ट है जो मेरा अपना पासपोर्ट है। इन दोनों पासपोर्ट में ये फ़र्क है कि ये जो ECR पासपोर्ट है ये इलिटरेट पीपल्स का बनता है, यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं उनका ये पासपोर्ट बनता है जो कि ECR होता है। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी 18 कंट्रीज ऐसी है कि अगर ये ECR पासपोर्ट वाले उन कंट्रीज में जाना चाहे तो इन्हें वहां जाने से पहले एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन अथॉरिटी होती है उससे अपने पासपोर्ट पर एक स्टाम्प लेना पड़ेगा, तभी वो उन कंट्रीज में जा सकते हैं। जबकि ये दूसरा है ECNR पासपोर्ट, यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो एजुकेटेड पीपल है, यानी कम से कम उनके पास 12th की मार्कशीट होती है। चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों पासपोर्ट में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम इसका पहला पेज ओपन करें तो आप देख सकते हैं ये ECR पासपोर्ट है, इस पर भी एक स्टाम्प लगा हुआ है पासपोर्ट ऑफिस का, और ये ECNR पासपोर्ट है, इस पर भी स्टाम्प लगा हुआ है, यानी दोनों सेम है। नेक्स्ट पेज पर पासपोर्ट ऑनर का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका सिग्नेचर होता है, दोनों पर बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर जो बाकी के पेजेस हैं इस पर वीज़ा लगाया जाता है और इमिग्रेशन स्टाम्प लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वीज़ा लगाया गया है कुवैत का, और इसके अंदर देखिए अभी तक कोई वीज़ा नहीं है क्योंकि इस पर कोई ट्रेवल नहीं किया गया है। इसी तरह से आगे वाले पेज पर हम देखें तो यहाँ पर कुछ स्टाम्प लगे हुए हैं। आप देखिए ये होता है इमिग्रेशन स्टाम्प, ये 7 जनवरी 2016 को यहाँ से गए थे दिल्ली से तो उसका स्टाम्प है, और ये 3 फरवरी 2016 को वापस आए तो उसका स्टाम्प है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट का पेज। लास्ट के पेज पर मदर नेम, फादर नेम और एड्रेस होता है। तो देखिए यहाँ पर ECR और ECNR दोनों पासपोर्ट में लास्ट के पेज पर नेम, मदर नेम और एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक फ़र्क है। यहाँ पर जो ये ECR पासपोर्ट है इस पर लिखा हुआ आ रहा है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी ECR, जबकि अगर हम ECNR पासपोर्ट में देखें तो यहाँ पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप किसी पासपोर्ट को पहचानना चाहें कि ये ECR पासपोर्ट है या ECNR पासपोर्ट है तो आप उसका लास्ट पेज देखिए, अगर वहाँ पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो वो ECR पासपोर्ट है, और अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो फिर वो ECNR पासपोर्ट है। सो गाइज, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पासपोर्ट ECR है और कौन सा पासपोर्ट ECNR है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।